आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफाई मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच में खेला गया था, उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैथ्यू बेड के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, अगर आप भी मैथ्यू बेड के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफाई मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच में खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम सबसे पहले खेलते हुए 188 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए मात्र 6 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में, जिसमें जोस बटलर ने सबसे ज्यादा तूफानी पारी खेली, जिसने मात्र 56 गेंदों का सामना करने के बाद 89 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 191 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए मात्र 3 विकेट खोने के बाद 19.3 ओवर में, जिसमें सबसे ज्यादा तूफानी पारी खेली डेविड मिलर ने, जबकि डेविड मिलर ने मात्र 38 गेंदों का सामना करने के बाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और गुजरात टाइटंस को 7 विकेट से जिता दिया। गाइस, मामला उस समय का था कि मैथ्यू बेड गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे थे, तो वहीं बॉलिंग करा रहे थे राजस्थान की ओर से जोस बटलर, जबकि जोस बटलर ने एक फास्ट बॉल फेंकी तो मैथ्यू बेड के सिर पर लगी और वो वहीं की वहीं मैदान पर लेट गए। उसके बाद दोस्तों फिजियो आए, तब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज किया गया, लेकिन दोस्तों मैथ्यू बेड की हालत इस टाइम सही है।